तो खबर दुनिया की आप देख रहे हैं और बुलेटिन में पहले हम आपको आग की ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। ये आग लगी है समंदर में और बीच समंदर में एक जहाज में धू धूल कर वो जलने लगा। जहाज में 31 लोग सवार थे, सभी लोगों की जान यहां पर आफत में आ गई थी। फिर क्या हुआ, रिपोर्ट को देखिए। बीच समंदर आग की ऐसी तस्वीरें आपने शायद ही देखी होंगी। एक जहाज में भीषण आग लगी हुई है, धुआं का गुबार आसमान छू रहा है, जहाज पूरी तरह से आग की लपटों में घिरा हुआ है। आग को काबू करने की कोशिश जारी है। पानी की लहरों के बीच आग की ये भीषण तस्वीरें डराने वाली हैं। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त जहाज में 31 लोग सवार थे। क्या हुआ जहाज सवार लोगों का, ये जानने से पहले एक बार फिर से ये खौफनाक तस्वीरें देखिए। जहाज पर तेल से भरा टैंकर है, लिहाजा आग और धुएं की लपटें ऊंची है। इस टैंकर में 150,000 बैरल तेल है, जिसमें 80,000 बैरल डीजल और 70,000 लीटर पेट्रोल है। टैंकर में तेल रहने की वजह से आग तेजी से पसरती जा रही है। दरअसल ये तस्वीरें मेक्सिको के खाड़ी की हैं। सरकारी तेल कंपनी पेमेक्स का तेल लेकर जहाज आगे बढ़ रहा था। सब कुछ ठीक ठाक था, सामान्य तरीके से जहाज आगे बढ़ता जा रहा था, तभी अचानक जहाज में आग लग गई। हालांकि आनन फानन में नेवी की टीम को इसकी सूचना मिली। बिन वक्त गवाए नेवी की टीम मौके पर पहुंची और नेवी की टीम ने सबसे पहले जलते हुए जहाज में फंसे लोगों को बाहर निकालना शुरू किया। एक एक कर जहाज सवार चालक दल के सभी 31 सदस्यों को बाहर निकाल लिया गया। लोगों को बाहर निकालने के बाद आग बुझाने की कोशिश शुरू हुई। जहाज के चारों तरफ से पानी की बौछार की गई, लेकिन पूरा टैंकर जल गया। जहाज में आग कैसे लगी इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि जिस तरह से 31 लोगों की जान बचाई गई, उसे देखकर तो यही लगता है कि नेवी ने मौत के मुंह से जिंदगी को छीन लिया, जो वाकई काबिले तारीफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।